बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में कुछ ऐसे पीएन डायोड के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेशली किसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं, किसी न किसी काम के लिए बनाए गए हैं। ऐसे डायोड के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस डायोड, क्योंकि इनको कुछ खास काम करने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्पेशल पर्पस डायोड। सो इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पेशल पर्पस डायोड्स। ठीक है, स्पेशल पर्पस डायोड। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड LED के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड हम लोग फोटो डायोड के बारे में पढ़ेंगे, फोटो डायोड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, जेनर डायोड। और हम लोग पढ़ेंगे सोलर सेल के बारे में। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड और सोलर सेल के बारे में। इन चार स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला हम लोग जैसे कि ले लेते हैं LED, यानी लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ये स्पेशल पर्पस डायोड है। ठीक है, तो पहली बात, इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड। ठीक है बेटे, और क्या स्पेशल पर्पस है? नाम ही है LED, लाइट। LED क्या करता है बेटा? रोशनी देता है, लाइट देता है। तो इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड विच एमिट्स लाइट ऑफ या रेडिएशन, विच एमिट्स रेडिएशन ऑफ डिफरेंट, है ना, डिफरेंट रेडिए, विच एमिट्स रेडिएशन ऑफ डिफरेंट कलर। तो आप देखते हो बेटा मार्केट में लगभग हर एक कलर के LEDs अवेलेबल है ना। तो वो अलग अलग कलर के आप LEDs मार्केट से क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो उसको स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है कि वो क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा क्या है, ठीक है, ऐसा स्पेशल क्या है जिसकी वजह से ये लाइट एमिट करते हैं? तो ध्यान रखना है बेटा, ये इसमें जो है ना बहुत ज्यादा डोपिंग की गई होती है, हाईली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग होती है। ठीक है, इट इज स्पेशली स्पेशली डिजाइंड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग। इसमें डोपिंग क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है बेटा, एलईडी का सिंबॉल होता है, सिंबॉल ऑफ एलईडी, सिंबॉल ऑफ एलईडी तो है, तो बेटा एक प्रकार से डायोड ही। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डायोड बना लेंगे। ठीक है, डायोड बना लेंगे और इससे क्या होता है, लाइट निकलता है, तो हम क्या करते हैं, लाइट के निकलने का सिंबॉल बना देते हैं। तो ये हो गया बेटा सिंबॉल ऑफ LED, अंडरस्टूड? ठीक है, इसके बाद आखिर ये काम कैसे करता है ना, बाइसिंग करना पड़ेगा किसी भी डायोड को काम कराने के लिए, बाइसिंग तो करना पड़ता है। तो बाइसिंग कैसी होगी, बाइसिंग ऑफ LED, बाइसिंग ऑफ LED। तो याद रखना बेटे, LED को फॉरवर्ड बायस में काम कराया जाता है। ठीक है, LED वर्क्स इन फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, फॉरवर्ड बायसिंग। LED किस किस बायसिंग में काम करता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, मतलब इसको फॉरवर्ड बायस रखना पड़ेगा।
ठीक है, आगे कहानी समझ में। काम कैसे करता है, वर्किंग, वर्किंग काम कैसे करता है। तो आपने देख लिया बेटा कि एलईडी में डायोड को आपको क्या करना पड़ेगा, एलईडी वाले जो डायोड होते हैं, एक तो ये हो गया कि उसमें डोपिंग हाई होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग क्या होती है, हाई होती है, और उसको आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस रखना है। तो फॉरवर्ड बायसिंग करोगे जब, ठीक है, तो आपको पता है बेटे ये पी है, ये एन है ना, तो इसमें क्या है प्लस 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 प्लस, और इसमें है ना ऐसा है, और इधर क्या है बेटा मेजोरिटी में होल्स हैं, है ना, और इधर क्या है मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। और आपने इसको क्या किया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, पी को पॉजिटिव से जोड़ना, एन को निगेटिव से जोड़ना, आगे कहानी समझ में। तो जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करोगे बेटा, है ना, फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो क्या होता है बेटा, बैरियर टूट जाता है, बैरियर टूट जाता है, इधर माइनॉरिटी में क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन्स है, इधर माइनॉरिटी में, और इधर होल्स है माइनॉरिटी में, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चल करके आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इधर से इधर चल करके आएंगे, ठीक है, और है ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चल करके आएंगे, है ना, और वो होल्स के पास पहुंचेंगे, ठीक है, होल्स के पास पहुंचेंगे। अच्छा ये बताओ कि होल कैसे क्रिएट होते हैं, तो होल क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन के चले जाने से, है ना, इलेक्ट्रॉन के चले जाने से जो वैकेंट प्लेस क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और एक जगह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमेशा क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, है ना, जब हम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अपना प्लेस छोड़ देता है, और वो प्लेस जो खाली हो जाती उसी को हम लोग होल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर उसका रिवर्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चल करके आ रहा है और होल के पास पहुंच रहा है, तो जब वो होल के बहुत करीब पहुंचता है तो वो इलेक्ट्रॉन उस होल में चला जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, वैकेंसी है, वो वैकेंट प्लेस है, इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का मिलना है ना, जो मिलन हो रहा है, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल वापस से क्या, बिछड़े थे तो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बना था, मिल गए, रिकम्बाइन हो गए, आगे बात समझ में। तो जब ये बिछड़े थे बेटा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था और होल क्रिएट हुआ था, तो उस समय आपको एनर्जी देनी पड़ी थी। तो जब ये इसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जा रहा है, तो उतनी एनर्जी इस बार क्या होगी बेटा, रिलीज होगी, जितनी एनर्जी उस टाइम उसने ली थी उतनी एनर्जी इस टाइम क्या होगी, रिलीज होगी। तो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, है ना बेटे, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, यहां पर एनर्जी एमिट होती है, ठीक है, और जो एनर्जी एमिट होती है वो किस रूप में एमिट होती है बेटा, तो वो एमिट होती है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, ठीक है, वो एमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, आगे बात समझ में बेटा। अच्छा, और उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, अब उसका जो रेडिएशन है, उसका जो वेवलेंथ है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना इसका एनर्जी गैप होगा, जितना इसका एनर्जी गैप होगा। तो आ रही बात समझ में, क्योंकि आपको पता है लैम्डा बराबर क्या होता है बेटा, एच सी बाई डेल ई होता है। तो जैसा एनर्जी गैप होगा, है ना बेटा, जैसा एनर्जी गैप होगा वैसा वेवलेंथ होगा, और ये वेवलेंथ अगर विजिबल रे के रेंज में आएगा तो आपको विजिबल लाइट्स दिखेंगे, ग्रीन की रेंज का आएगा तो ग्रीन दिखेगा, रेड की रेंज का आएगा रेड दिखेगा, है ना, जैसा कि आपको पता है वॉयलेट का क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम, अगर ये 4000 एंगस्ट्रॉम आया तो ये वॉयलेट लाइट देगा, अगर 8000 एंगस्ट्रॉम आया तो आपको रेड लाइट देगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है ना, वो कौन सा मटेरियल है, उसका एनर्जी गैप क्या है, जितना एनर्जी गैप होगा उतना एनर्जी वो रेडिएट करेगा, और उस एनर्जी को जब यहां पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो किस कलर का वेवलेंथ दे रहा है हमें, वो कलर आपको दिखाई देगा। तो हाउ डज दिस वर्क, तो आप बोलोगे बेटा जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, और इस रिकॉम्बिनेशन के कारण जो एनर्जी रेडिएट, एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में निकलती है, ठीक है। तो चलो
इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। When LED is forward biased, when LED is forward biased, ठीक है, when LED is forward biased, electron and holes recombination, recombination occurs, occurs and energy is released equal to the, equal to the, है ना, energy is released equal to the energy gap, gap of material, energy gap of material in the form of, in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic, electromagnetic wave, ठीक है बेटे, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना जनरेट करता है। अब वो आपको पता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो, वेव जो है वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। तो एलईडी भी क्या करता है बेटा, विजिबल रेज भी छोड़ता है और इनविजिबल रेज भी दे सकता है। जैसे कि आप रिमोट देखते हो, रिमोट में देखना छोटा सा एलईडी लगा रहता है लेकिन उसकी लाइट दिखाई नहीं देती अपने को, है ना, क्योंकि वो आपको क्या दे रहा है, इनविजिबल दे रहा है। विजिबल तभी होगा जब इसके वेवलेंथ क्या होंगे, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच के होंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मटेरियल यूज करते हो, ठीक है। तो यहां पर आप ये जान लो कि डिफरेंट कलर ऑफ, डिफरेंट कलर्ड एलईडीज, कलर्ड एलईडीज आर अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल यूज्ड, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, कौन सा मटेरियल, सेमीकंडक्टर का, डिपेंडिंग अपॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, ठीक है। जो आप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करोगे उसका अपना एनर्जी गैप होता है, वो अपने एनर्जी गैप के बराबर का एनर्जी रेडिएट करेगा, उसके हिसाब से वेवलेंथ आएगा, वेवलेंथ जिसको मैच करेगा उतना वो वाला कलर जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कि ये काम कैसे करता है और इसके अलग अलग कलर क्या होते हैं। आगे बात समझ में बच्चे। तो चूंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, अगर आपको बोलता है कि एलईडी का, एलईडी का ये बनाओ, क्या बोलते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी, तो बेटा चूंकि एलईडी हमने देखा कि इसको क्या रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग रखना है, तो फॉरवर्ड बायसिंग का, है ना, पीएन डायोड का जो फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ था उसको बना लेना है बेटा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता था, है ना, इस तरीके का ग्राफ बनता था, तो इस तरीके का ग्राफ यहाँ भी बनेगा। तो ये रही पूरी कहानी एलईडी की। अब आपको पता है बेटा एलईडी का क्या यूज है, तो एलईडी का हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में लाइटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं और ऐसे बहुत सारे अदर यूजेस हैं। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट यूज है इसका एलईडी का, वो है हमारे लाइटिंग पर्पस के लिए, ठीक है बेटे, लाइटिंग पर्पस के लिए। आज के डेट में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा, है ना, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो पहले वाले लाइट्स, लाइट होते थे, है ना, उसको कहते थे हम लोग इनकैंडेसेंट लैंप, है ना, क्या कहते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब। क्यों, क्योंकि वो क्या करता था, उसमें फिलामेंट लगे होते थे, जब हम उसको स्विच ऑन करते थे तो उस फिलामेंट से होकर के, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था, उस फिलामेंट से होकर के करंट जाता था, करंट के जाने से उसमें हीट प्रोड्यूस होता था, हीट प्रोड्यूस होने से जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, है ना, तो वो क्या करते हैं, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लाइट के फॉर्म में, है ना, हीट और लाइट के फॉर्म में वो एमिट करने लगता है। इस स्टेट को क्या कहते हैं, इनकैंडेसेंट स्टेट कहते हैं, ठीक है, और इस पर्पस, इस प्रिंसिपल पर जो चीजें काम करती है उसको इनकैंडेसेंट डिवाइसेस कहते हैं, वो इनकैंडेसेंट बल्ब था, ठीक है। तो उसके तुलना में आजकल देखो वो धीरे धीरे रिप्लेस होकर के
क्या आते जा रहा है, एलईडी आते जा रहा है, ठीक है, हम लोग एलईडी यूज करते हैं जनरली, तो कुछ तो स्पेशल होगा ना एलईडीज में, इसलिए हम लोग उसके बदले इसको यूज करें। तो पहले हम ये देखेंगे कि एलईडी का क्या क्या यूज है, और फिर दूसरा ये देखेंगे हम लोग कि एलईडी क्यों इनकैंडेसेंट लैंप को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, ठीक है बेटा। तो पहला हो गया, हम लोग इसको लाइटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, लाइटिंग पर्पस। दूसरा बेटा, हम घरों को सजाने के लिए डेकोरेटिव पर्पस। इसके अलावा आप जितने भी ये देखते हो, क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉच देखते हो, है ना, डिजिटल वॉच देखते हो, फिर आप क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट्स देखते हो, या फिर स्टेशन पर लगे वो डिजिटल वॉच देखते हो, ठीक है, या डिस्प्ले बोर्ड होता है, उन सब में क्या यूज होते हैं, 7 सिगमेंट LED यूज होता है, ठीक है। तो तीसरा हो गया 7 सिगमेंट LED। अभी 7 सिगमेंट LED क्या होता है, 7 सिगमेंट LED क्या होता है, जनरली क्या होता है बेटा, जितने भी आप डिजिटल चीजें देखते हो ना, ठीक है, जितनी भी आप डिजिटल चीजें देखते हो, तो उसमें 7, ये 7 LED होते हैं, ठीक है, देखो 2, 2, 4 और 3, 7, ये 7 LED ही मिलकर के आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपको सारे नंबर्स दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर ये दोनों ऑफ हो जाए और बाकी जले, तो देखो ये क्या बन गया बेटा, 3 बन गया, है ना। अगर मान लो ये सारे जले, तो देखो ये कैसा दिख रहा है, 8 दिख रहा है ना बेटे, ये क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है ना। ये बंद हो जाए, बाकी सब जले, तो क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं 7 सिगमेंट LED, है ना। इसके अलग अलग ये सातों के कॉम्बिनेशन से ही आपको सारे नंबर्स दिखाए जाते हैं। तो दिस इज 7 सिगमेंट LED में भी क्या यूज होता है बेटा, एलईडी यूज होता है। तो आपको इसका पर्पस समझ, एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि बल्ब के रूप में, है ना, बल्ब के रूप में हम लोग इसको क्यों ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज है ओवर किसके, इनकैंडेसेंट बल्ब के ऊपर। तो क्या है वो समझते हैं, काफी पूछा जाता है थ्योरी में, ठीक है, और नॉर्मली भी। एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है बच्चे, एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर इनकैंडेसेंट बल्ब। तो पहली चीज आप देखते हो, अगर एक कमरे में, है ना, पहले हम जब नॉर्मल वाली बल्ब लगाया करते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब लगाया करते थे, तो 100 वाट का लगाते थे, लेकिन आज देखो अगर 9 वाट, 10 वाट, 11 वाट का भी, है ना, मैक्सिमम 16 वाट का भी एलईडी ला लो, तो वो पर्याप्त रोशनी करता है, इतना बहुत ज़्यादा रोशनी करता है आप, है ना। तो कहाँ 100 वाट और कहाँ 16 वाट, तो बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, प्लस ये कम वोल्टेज पर भी काम करता है, तो इसको लो ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए होता है और लो पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो क्या बेनिफिट हो गया, लो पावर कंजम्पशन, दूसरा लो ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए, प्लस आप देखते हो एलईडी बल्ब में आपको दो दो तीन तीन साल की गारंटी देगा, और जो फिलामेंट वाले बल्ब होते थे उसकी कोई गारंटी नहीं देता था, याद है, ठीक है। तो क्यों भाई, क्योंकि ये इसकी लाइफ क्या होती है, लॉन्ग होती है, लॉन्ग लाइफ, ठीक है, लॉन्ग लाइफ। नेक्स्ट है कि इसका जो स्विचिंग एक्शन होता है फास्ट होता है, फास्ट स्विचिंग एक्शन। इसका क्या मतलब है, ठीक है, फास्ट स्विचिंग एक्शन का क्या मतलब है, देखो क्या होता था, जो आपका फिलामेंट वाला बल्ब था उसको आप ऑन करो ना, वो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या होना है, गर्म होना है, फिर वो रोशनी देगा, तो गर्म होने में क्या लेता था, टाइम लेता था। लेकिन जो एलईडीज हैं उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, है ना, तो एलईडी ऑन करो ऑन हो जाएगा, ऑफ करो ऑफ हो जाएगा, है ना, इंस्टेंटली, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, तो उसमें टाइम लगाता था, ठीक है।
ठीक है, तो फास्ट स्विचिंग एक्शन, लो पावर कंजम्पशन, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, लॉन्ग लाइफ और फास्ट स्विचिंग एक्शन, ठीक है, इस इन सब वजहों से एलईडी जो है वो इनकैंडेसेंट बल्ब से ज्यादा एफिशिएंट है ना, ये आपकी आपको जो है ये बचाता है, एनर्जी भी बचाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम, बिजली कम करता है, बिजली बिल को कम करता है, अंडरस्टूड। तो ये रही कहानी बेटा एलईडी की। दूसरा मैंने क्या बोला था बेटा, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे फोटो डायोड। चलो देखते हैं क्या होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड ठीक है, फोटो डायोड तो ये क्या होता है बेसिकली बेटा, ये भी एक स्पेशल पर्पस डायोड है जो किसी क्या बोल सकते हो किसी रेडिएशन को पहचानने के काम आता है ना, कोई रेडिएशन को पहचानने के काम आता है, ठीक है। तो फोटो डायोड इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड विच इज यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर। फोटो मतलब क्या, फोटोन, फोटोन मतलब क्या, रेडिएशन, तो रेडिएशन को डिटेक्ट करना मतलब पता लगाना, ठीक है, तो उसको पता लगाने में ये आपका फोटो डायोड काम आता है, ठीक है बेटे। इसका सिंबल की बात करूं फोटो डिटेक्टर की, तो सिंबल होता है इसका, क्योंकि डायोड ही है तो डायोड बनाओगे आप, और इस पे लाइट क्या होगा बेटा, फोटोन आएगा, है ना, फोटोन आएगा, तो इस पर आने का सिंबल बनाएंगे अपन, हाँ, फोटो डायोड का ये सिंबल हो गया। तीसरी चीज, ये काम कैसे करता है, बायसिंग इसकी कैसे रखनी पड़ती, बायसिंग जो इसकी होती है वो रिवर्स बायसिंग होता है। क्या होता है बेटा, रिवर्स बायसिंग, अंडरस्टूड। ये क्या होता है बेटा, रिवर्स बायसिंग की हुई होती है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, वर्किंग, हाँ, रिवर्स बायसिंग में होती है लेकिन ब्रेकडाउन नहीं कराना है, बिफोर ब्रेकिंग, यानी इन ब्रेकडाउन रीजन, बिफोर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बेटे, रिवर्स बायसिंग तो होगा लेकिन ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। वर्किंग क्या है इसका, वर्किंग क्या है कि, अच्छा एक और चीज इसमें स्पेशल होता है, इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड, तो इसमें स्पेशल क्या है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो देना पड़ता है आपको, ठीक है, इट हैज अ ट्रांसपेरेंट विंडो फॉर इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन, तभी तो रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगा, है ना बेटे, तभी तो रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो इस पे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट विंडो दिया रहता है इस पे, ताकि रेडिएशन आए, ओके। काम कैसे करता है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर एक आपने पीएन डायोड बनाया, ठीक है, रिवर्स बायसिंग किया, तो इसको माइनस इसको प्लस करना पड़ेगा, रिवर्स बायसिंग कर दिया, इसमें मेजोरिटी में कौन है, होल्स है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर और कुछ होल्स हैं, आगे बात समझ में। तो ये देखो पी टाइप और एन टाइप, और ये क्या है आपका डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब रेडिएशन पड़ती है, आगे कहानी समझ में, तो जब रेडिएशन पड़ती है बेटा, तो यहां पर क्या होगा, उस एनर्जी को पा करके, है ना, रेडिएशन के रूप में जो एनर्जी मिलेगा, फोटोन के रूप में जो उसको एनर्जी मिलेगा, उन एनर्जी को पा करके यहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाएंगे, तो फिर वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, यहां पर आपको पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे बेटा वो इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे, और जो होल बनेगा वो इधर चले जाएंगे,
इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, होल्स इधर जाएंगे, तो बताओ करंट किधर फ्लो करता है बेटा, है ना, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट देखो कौन सा करंट है बेटा, एन से पी साइड, है ना, तो रिवर्स करंट है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आपको रिवर्स करंट बहता है। तो आप बोलोगे सर रिवर्स करंट तो ऐसे भी बहता है, लेकिन रिवर्स करंट जो बहता है वो बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। जब कोई रेडिएशन नहीं होगा बेटा, यहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं रहेगा, तो भी आपको पता है कि रिवर्स बायसिंग में, है ना, रिवर्स बायसिंग में एक करंट बहता है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो जब कोई रेडिएशन नहीं होता है तो एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ऑलमोस्ट निग्लिजिबल करंट फ्लो करता है, इसको हम लोग कहते हैं डार्क करंट। क्यों? क्योंकि उस समय कोई रेडिएशन नहीं है, तब की बात है। तो ये है डार्क करंट, ठीक है। जब कोई लाइट नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, तो उस टाइम यहां पर क्या होता है, एक निग्लिजिबल करंट फ्लो करता है, दैट इज डार्क करंट, अंडरस्टूड। बट जब यहां पर रेडिएशन आने लगेगा, है ना, जब रेडिएशन आने लगे, अच्छा ये जो सैचुरेशन करंट है वो कम क्यों है, क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं ना, माइनॉरिटी चार्जेस बहुत कम होते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन जब रेडिएशन पड़ेगा तो क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा चार्जेस बन रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा चार्जेस बन रहे हैं। तो अब एक्स्ट्रा चार्जेस बने मतलब माइनॉरिटी चार्जेस की संख्या बढ़ गई, माइनॉरिटी चार्जेस की संख्या बढ़ गई बेटा, तो वो क्या करेगा, अब जो है ना इसके सैचुरेशन करंट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो जैसे ही उस पर रेडिएशन पड़ेगा तो इसकी जो करंट है, करंट का लेवल है ना, वो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आपको दिखता है कि करंट बढ़ गया, तो आपको समझ आ गया कि वहां पर रेडिएशन है, रेडिएशन नहीं होता तो फिर नहीं होता, करंट नहीं पड़ता, करंट पर इफेक्ट नहीं होता, करंट पर इफेक्ट हो रहा है इसका मतलब वहां रेडिएशन है। इस तरीके से आप पता कर लेते हो कि वहां पर रेडिएशन है या नहीं है, करंट में चेंज हुआ मतलब रेडिएशन है। अच्छा, अगर हमको ये मापना है कि कितनी इंटेंसिटी का है, तो बेटा जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनेगा और उतना ज्यादा करंट बहेगा। तो करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो उससे आपको उसके इंटेंसिटी का पता चलता है, ठीक है। तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए बेटा इस तरीके से आपको मिलेगा। तो अगर ये I1 है, इसको I0 बोलो, ये I1 बोलो, ये I2 बोलो, ये I3 बोलो, तो ये सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा, I3, उससे कम कौन होगा I2, उससे कम कौन होगा I1, और सबसे कम कौन सा होगा I0। तो इस तरीके से आपको, है ना, इंटेंसिटी मतलब करंट की मैग्नीट्यूड देख करके, सैचुरेशन करंट की मैग्नीट्यूड देख करके, रिवर्स करंट की मैग्नीट्यूड देख करके आप ये बता सकते हो कि जो वहां पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इसको इंटेंसिटी मापने में, यानी फोटो डिटेक्ट करने में, यानी लाइट को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है। आगे कहानी समझ में आपको, फोटोडायोड की कहानी समझ में आई आपको, ठीक है भाई। तो आपको एक चीज समझ में आया कि ये रिवर्स बायसिंग में यूज होता है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इसको तो फॉरवर्ड बायसिंग में भी किया जा सकता था, फॉरवर्ड बायसिंग में भी, है ना, जब रेडिएशन पड़ेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे और चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाना चाहिए सर, तो हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों नहीं यूज करते हैं। आपको इसमें बोर्ड में अक्सर ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हम इसको फोटोडायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों नहीं यूज करते। तो इसका आंसर है बेटा कि अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करता तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर करंट बहुत ज्यादा है तो उसमें अगर थोड़ा बहुत रेडिएशन आएगा, है ना, थोड़ा बहुत स्मॉल रेडिएशन आया तो बेटा उससे क्या होगा, बहुत थोड़ा सा करंट चेंज होगा, तो बड़े करंट में थोड़ा सा चेंज होगा तो आपको वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको आप इस तरीके से समझो, मान लो समुद्र है, समुद्र में एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या उसके लेवल में कोई चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो सेम वे यहाँ है, वो करंट फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा होता है, उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन रिवर्स करंट क्या होता है, बहुत छोटा है ना, अगर सूखी जमीन है उस पर एक बूंद भी गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर करंट इतना कम है कि वो सूखी जमीन की तरह है, उसमें अगर थोड़ा भी चेंज होगा तो आप आसानी से डिटेक्ट कर लोगे। तो फॉर गुड सेंसिटिविटी हम लोग इसको क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, ठीक है। वेल समझ में आया आपको कैसे करना है बेटा, कैसे लिखना है इसको, कि हम रिवर्स बायसिंग में इसलिए करते हैं क्योंकि रिवर्स बायसिंग में डिटेक्ट करना आसान है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट इतना ज्यादा होता है कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना, उसकी सेंसिटिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो सो दिस इज फोटो डायोड,
अब आपसे पूछेगा कि भाई फोटोडायोड का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो आप बोलना बेटा फोटोडायोड का सबसे बड़ा यूज क्या है, इसको फोटो डिटेक्टर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ फोटो डिटेक्टर, यूजेस ऑफ फोटो डिटेक्टर, सॉरी फोटो डायोड, फोटो डायोड। तो पहला क्या हो गया बेटा, यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर। इसके अलावा हम इसके और भी कई सारे यूज करते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी मापने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, यूज टू मेजर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसके अलावा हम लोग इसको जो आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग मशीन वगैरह होता है उसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग मशीन, मशीन, फिर काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में यूज करते हैं, समझते हो, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, काउंटर मतलब काउंट करने वाला, ठीक है, जैसे आप देखते हो बैंक जाते हो तो बैंक में नोट काउंट करने वाली मशीन होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में यूज करते हैं। प्लस हमारा जो ये होता है बेटा, क्या बोलते हैं, बर्गलर अलार्म है ना, ये सब में लगा सकते हो आप, यूज्ड इन बर्गलर अलार्म, बर्गलर अलार्म मतलब चोरी से बचाने के लिए, बर्गलर अलार्म, फायर अलार्म, फायर अलार्म में भी कर सकते हो आप इसका यूज, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसके यूजेस हैं फोटो डायोड के, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये दो स्पेशल पर्पस डायोड हमने कंप्लीट किए बेटे। तीसरा है जेनर डायोड, ठीक है, जेनर डायोड, जेनर डायोड। ठीक है, तो जेनर डायोड भी क्या है बेटा, स्पेशल पर्पस डायोड है, इट इज स्पेशल पर्पस डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड विच इज यूज्ड एज, विच इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर। क्या स्पेशल है इसमें, ठीक है, स्पेशल क्या है इसमें, इसकी डोपिंग बहुत हाई होती है, हाई डोपिंग, हाई डोपिंग, बहुत हाई डोपिंग होता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। इसको काम कैसे कराया जाता है बेटा, तो याद रखना ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, इट वर्क इन रिवर्स, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है, कहां काम करता है ये, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, अंडरस्टूड, ओके। तो इसका सिंबल कैसा होता है, सिंबल, इसका सिंबल याद रखना बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, दिस इज जेनर डायोड, ठीक है, दिस इज जेनर डायोड, ठीक है, दिस इज जेनर डायोड। काम कैसे करता है जेनर डायोड, ठीक है, काम कैसे करता है, तो जो ब्रेकडाउन इसका जेनर डायोड होता है उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो आप क्या कर सकते हो, डोपिंग की बेसिस, डोपिंग के अकॉर्डिंग, है ना, जितना आपको जेनर वोल्टेज चाहिए, ठीक है, जितना आपको जेनर, आपको याद करो जब हम रिवर्स बायसिंग का ये पढ़ते थे, है ना, हमने क्या देखा था, ये ऐसा जाता था और फिर ऐसा हो जाता था एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जब जेनर ब्रेकडाउन होता था,
तो जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल सकते हैं। तो जैसे ही ये वोल्टेज पहुंचता था बेटा, उसके बाद क्या हो जाता था, करंट सडनली बढ़ता था, वोल्टेज का बढ़ना बंद हो जाता था, वोल्टेज क्या हो जाता था, स्टेबिलाईज हो जाता था। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है जेनर डायोड में, ठीक है। तो आपको जैसा जितना वोल्टेज स्टेबिलाईज करना, जितना कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए, उसके हिसाब से जेनर डायोड आप फिक्स कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या वेरी करना पड़ेगा, आप उसको जो डोपिंग है उसकी डोपिंग को आप एडजस्ट कर सकते हो, एंड बाय एडजस्टिंग डोपिंग यू कैन फिक्स जेनर वोल्टेज, और जो जेनर वोल्टेज आप लोगे उतना आपको स्टेबल वोल्टेज वो देगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग वोल्टेज स्टेबिलाईजर के रूप में यूज करते हैं। तो अगर आप इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो दिस इज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, फिगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, ठीक है बेटा, दिस इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है बेटा, तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज है वो तो यही है कि हम लोग इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं। ये भी आपको थ्योरी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है जेनर डायोड के रूप में। तो जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ओके, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है समझो। तो बेटे ये आपका जेनर वोल्ट जेनर डायोड हो गया, यहां पर हम लोग क्या करते हैं इनपुट वोल्टेज लगा देते हैं, ठीक है, बी इनपुट, और इधर हम लोग एक लोड रेजिस्टर लगा देते हैं आरएल, जिसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, ठीक है, इसको हम आर सीरीज बोलते हैं। आगे कहानी समझ में आपको, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है ना अपोजिट में कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि ये हमारा रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। तो जब हम इसके वोल्टेज को बढ़ाते, मान लो इसका रिवर्स बायस जेनर वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, ठीक है, जेनर वोल्टेज क्या है, 5 वोल्ट है। तो आप क्या देखते हो बेटा, आप जानते हो कि बिफोर ब्रेकडाउन है ना, बिफोर ब्रेकडाउन करंट क्या रहता है, जीरो रहता है ना, बिफोर ब्रेकडाउन इसमें करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, निग्लिजिबल रहता है ऑलमोस्ट रिवर्स वोल्टेज, है ना, बिफोर ब्रेकडाउन क्या रहता है, ऑलमोस्ट जीरो रहता है। तो इससे जो भी करंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ जो भी आप वोल्टेज यहाँ लगाओगे वो वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब ये इसका वोल्टेज है ना एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा तो करंट इसमें क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है, सडनली इसमें करंट बहुत ज्यादा जाने लगता है, ठीक है, आ रही बात समझ में, इधर करंट ज्यादा जाने लगता है, इधर पहले जितना जाता था उतना ही जाता था, जा रहा है अब भी, ठीक है। तो इधर जो करंट जा रहा है मान लो उसको लोड करंट बोला, और इधर जो करंट गया वो हमने क्या बोला, इसको जेनर करंट बोला, और ये मान लो टोटल करंट है। तो देखो ये आई ही क्या होगा बेटा, आई एल प्लस आई जेड होगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, आई एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई माइनस आई जेड हो जाएगा। तो पहले आई जेड क्या रहता है आपका, जीरो रहता है जब तक आपका ये है ना कम वोल्टेज है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पहुंच जाता है, आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाएगा है ना, जब ये ज्यादा हो जाएगा जेनर से, तो क्या होगा बेटा है ना, आई आई बढ़ेगा, ठीक है, आई बढ़ेगा तो आपका आई जेड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दोनों मैनेज करके आई एल को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो इधर आपको क्या मिलेगा बेटा, एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। या फिर आप इस तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि आपने देखा कि ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, जो डायोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो अगर ये 5 वोल्ट का जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसका, तो यहाँ पर 5 वोल्टेज ही होगा, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा नहीं,
और ये क्या है, देखो पैरेलल में तो जो वोल्टेज यहाँ मिलेगा वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा बेटा, एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। सो दिस इज दी सर्किट डायग्राम ऑफ जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। आपको अगर थ्योरी में आएगा तो ये वाला आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि बिफोर ब्रेकडाउन है ना, बिफोर ब्रेकडाउन ठीक है, बिफोर ब्रेकडाउन या एट लो इनपुट वोल्टेज आप ये कह सकते हो, एट लो इनपुट वोल्टेज जेनर करेंट इज वेरी स्मॉल बट एट हाई इनपुट वोल्टेज जेनर डायोड ठीक है, जेनर डायोड अलाउ वेरी हाई करेंट टू फ्लो थ्रू इट बट वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड बिकम्स फिक्स्ड हेंस अ स्टेबल वोल्टेज is obtained across load resistor। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि एक लिमिट से ज्यादा इधर वोल्टेज नहीं आ पाएगा, है ना बेटा, एक लिमिट से ज्यादा इधर वोल्टेज, तो इधर कितना भी वोल्टेज बढ़ जाए इधर हमको एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जैसे हमारा टीवी होता है, महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है ना, ये महंगे महंगे जो डिवाइसेस हैं वो खराब नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए उसमें क्या लगा रहता है, स्टेबलाइजर लगा रहता है कि अगर किसी कारणवश वोल्टेज अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा डिवाइस जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अक्रॉस इससे ज़्यादा वोल्टेज जा ही नहीं सकता है। आगे बात समझ में, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, तो इस तरीके से हमारा जो है वोल्टेज वो रेगुलेट हो जाता है ना, वोल्टेज रेगुलेट हो जाता है। तो इस डायोड का यानी जेनर डायोड का जो मेन यूज है वो यही है, अंडरस्टूड। आखिरी जो है बेटा वो है सोलर सेल, है ना, आखिरी जो है स्पेशल पर्पस डायोड वो है सोलर सेल। सोलर सेल के बारे में आप जानते हो, ये क्या करता है बेटा, ये करता है बेसिकली है ना सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। It is a special purpose PN diode, which converts solar energy into electrical energy। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसका कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, पीएन डायोड बनाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक हम लोग क्या करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, पी टाइप, और उसके ऊपर बहुत पतली, ठीक है, बहुत पतली एन टाइप बना लेते हैं, एन टाइप, ठीक है, दोनों में से कोई एक बहुत पतली होनी चाहिए। अगर इसको मैं 300 माइक्रोमीटर मोटा लूंगा तो इसको 0.3 माइक्रोमीटर लूंगा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग पीएन डायोड क्रिएट कर लेते हैं। और इसका जो ऊपरी वाला सतह है, ठीक है, इसका जो ऊपरी वाला सतह है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। ये फिंगर इलेक्ट्रोड मैं कैसे समझाऊं आपको, चलो तो इसके लिए हमको अलग फोटो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा,
तो मान लो बेटे कि ठीक है इस तरीके का है ना। इसके ऊपर फिर हमने ये एक और लेयर लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया बेटा आपका, ये हो गया सपोज पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। तो इसको 300 माइक्रोमीटर और ये 0.3 माइक्रोमीटर बहुत पतला लिया, ठीक है बेटे। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसा फिंगर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, है ना। इस तरीके से इसको कहते हैं हम लोग फिंगर इलेक्ट्रोड, फिंगर इलेक्ट्रोड। इसका क्या पर्पस है हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो गया फिंगर इलेक्ट्रोड। और इधर एक पीछे साइड जो है वहां पर भी एक मेटल कॉन्टैक्ट होता है, बैक मेटल कॉन्टैक्ट, बैक मेटल कॉन्टैक्ट। ये दोनों जो है इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये पी इलेक्ट्रोड हो गया और ये एन इलेक्ट्रोड हो गया। अब देखो इसको हमने दो दो बातें हैं यहां पर, कि एन को हम एक लेयर को हमने पतला क्यों बनाया और दूसरा कि यहां पर हमने फिंगर इलेक्ट्रोड क्यों लगाया। तो पतला क्यों बनाया, ये इस वजह से है क्योंकि देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो ये वाला क्या हो गया, इसका जंक्शन हो गया पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के पास क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होता है। तो इस पे जो रेडिएशन पड़ेगा बेटा, इस पे जो रेडिएशन सोलर रेडिएशन पड़ेगा, ठीक है, तो वो उसको ना कहाँ पहुंचना चाहिए, उसको डिप्लीशन लेयर तक पहुंचना चाहिए। तो अगर मोटा बनेगा तो वो डिप्लीशन लेयर तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। मोटा बनेगा तो डिप्लीशन लेयर तक पहुंच नहीं पाएगा, वो आसानी से डिप्लीशन लेयर तक पहुंच जाए इसके लिए इसको पतला रखा जाता है। एक बात, जब वो रेडिएशन वहां तक पहुंचता है, फोटोन जब वहां तक पहुंचता है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स इमोबाइल थे है ना डिप्लीशन लेयर में, उनको क्या करता है, फ्री कर देता है ना। एनर्जी उसने लिया फोटोन की और वो क्या हो गया, फ्री हो गया। आ रही बात समझ में, एनर्जी पा करके वो फ्री हो गया, है ना। इसको मैं अलग से बनाऊं तो ये पी टाइप, ये एन टाइप। तो क्या हुआ, यहां पर आपका ठीक है ऐसा था। अब इधर आपका होल्स हैं और इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस पे रेडिएशन पड़ेगा बेटा, ठीक है, जैसे ही इस पे रेडिएशन पड़ेगा, और साथ में आपको पता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, साथ में आपको पता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब रेडिएशन पड़ता है यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन मान लो फ्री हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है बेटे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ फोर्स लगेगा, इधर चला जाएगा, होल्स इधर चले जाएंगे। तो बेटे जो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इधर इस तरफ वाले ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो इस तरफ वाला क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, एन पर जो है निगेटिव चार्ज आता चला जाता है और पी पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता चला जाता है। तो इस तरीके से एन और पी के बीच में, एन और पी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब इसके बीच अगर हम कोई डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, करंट फ्लो करने लगेगा, बन गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। आगे बात समझ में, तो कंस्ट्रक्शन देख लिया आपने, वर्किंग देख लिया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कंस्ट्रक्शन में, एनी वन लेयर P और N should be made very thin, ठीक है। इसको क्या बनाना चाहिए, बहुत पतला बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हमने जो दिखाया है उसमें क्या दिखाया बेटा, कि as shown in figure n type is made very thin, n type is made वेरी थिन, ठीक है बेटा। इसको हमने बहुत पतला बनाया है, एन इज मेड वेरी थिन। क्यों बनाया है, बिकॉज
है ना, जो फोटोन है वो जंक्शन तक पहुंच सके, थी सो दैट इंसिडेंट फोटोन मे रीच टू डिप्लीशन लेयर, ठीक है, वहां तक वो पहुंच सके। आगे बात समझ में, तो फिर जब वो वहां पहुंच जाता है बेटा, हाँ तो ये तो हो गया कहानी। साथ में क्या होता है बेटा, जो ऊपर वाला लेयर है उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, फिंगर इलेक्ट्रोड। इसका कारण क्या है कि अगर मैं पूरे में इलेक्ट्रोड लगा दूंगा तो बेटा फिर रेडिएशन पहुंच नहीं पाएगा, है ना। तो फिंगर इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होता है, यहाँ पर आपके पास स्पेस है जिससे होकर के क्या होता है, रेडिएशन वहां पहुंचता है, ठीक है। तो जो अपर लेयर इज प्रोवाइडेड विथ फिंगर इलेक्ट्रोड। रीजन क्या है, आपको बताया मैंने, फिंगर इलेक्ट्रोड एंड बॉटम इज प्रोवाइडेड विथ मेटल कॉन्टैक्ट। तो ये दो आपके क्या हो जाते हैं, डायोड बन जाते हैं, समझ गए बेटा। अब हम अगर वर्किंग की बात करें, वर्किंग की बात करते हैं, तो बेटा व्हेन फोटोन, अच्छा अब वो जो फोटोन है उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करा पाए, एमिट करा पाए। अब वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए कम से कम उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, उसके एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी होनी चाहिए। जो आपका मटेरियल आपने लिया है, जिस मटेरियल से आपने सोलर सेल बनाया है, उसके एनर्जी गैप से ज्यादा की एनर्जी होनी चाहिए। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, when photon of energy greater than energy gap of semiconductor used in solar cell is incident on the p-n junction, electron hole pair is generated, ठीक है, under the influence of electric field, electron move towards n side, making it negative potential, and P side at positive potential, thus a potential difference is created between the two terminals. आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका जो सोलर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ सोलर सेल। अब सवाल उठता है कि सोलर सेल का यूज कहाँ होता है बेटा, तो ध्यान रहे सोलर सेल का जो यूज होता है वो अक्सर हम लोग देखते हैं, जो हमारे कैलकुलेटर होते हैं, कई वॉचेस होते हैं उसमें यूज होता है ना, सोलर सेल, सोलर वाली, प्लस आप स्ट्रीट लाइट्स देखते हो, सोलर वाली स्ट्रीट लाइट्स वहाँ यूज होती है, सोलर पंप, सोलर वाटर हीटर, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। प्लस जनरली ऐसी जगह जहाँ पर हम जो सुदूर होते हैं, काफ़ी रिमोट एरिया होता है,
जहाँ पर नॉर्मल तरीके से बिजली पहुँचाना संभव नहीं है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको लगाते हैं, है ना। प्लस हम लोग जो स्पेस स्पेस प्रोब्स वगैरह भेजते हैं उनमें भी सोलर सोलर सेल का यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं जहाँ पर हम लोग सोलर सेल का यूज़ करते हैं। अगर आपसे कभी वी आई कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए सोलर सेल का, वी आई कैरेक्टरिस्टिक सोलर सेल, तो बेटा वी आई कैरेक्टरिस्टिक इसका बनाओगे आप तो इधर वी और इधर मान लो आई है तो इसका कुछ इस तरीके से बनता है बेटा, ठीक है। ये क्या है आपका शॉर्ट सर्किट करंट है और ये कहलाता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो जब जब ओपन रहेगा बेटा उस समय आपका मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा और जब आपका शॉर्ट रहेगा तो उस समय मैक्सिमम करंट मिलेगा, आई एस सी और वी ओ सी, ठीक है। तो इस तरीके आई एस सी का मतलब शॉर्ट सर्किट करंट और ओ सी का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। अगर आपको सोलर सेल का पूछे कि इनमें से कौन सा है भाई सोलर सेल का डायग्राफ, तो ये है, ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना रहेगा। तो बेटे इसी के साथ आपका जो स्पेशल पर्पस डायोड होता है वो कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, बाय बाय।